अस्सलाम वालेकुम, क्या अभी परेशान है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से? अगर हाँ, देन बी हेयर टू वॉच दिस वीडियो ऑफ वन मिनट ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, कि ये बेसिकली है क्या। तो ये वो चार्जेस हैं जो आपकी बिजली बनाने की कॉस्ट पे आते हैं। तो नेप्रा इसको डील करता है। नेप्रा हर साल इसकी एक रेफरेंस वैल्यू जारी कर देता होता है साल के बिल्कुल शुरू में, जो कि इसने इस दफ़ा 2022 के शुरू में इसने शो की थी 5.53 किलोवाट पर आवर। और बाद में इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू वो क्या है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 8.53 किलोवाट पर आवर आई है, जिसमें से ये नेगेटिव एस्पेक्ट रेशियो बनी है 3.47। तो ये 3.47 किलोवाट पर आवर, ये वही चार्जेस हैं जो आपको आपके जुलाई के बिल में देखने को पड़ रहे हैं। हालांकि इसमें कोर्ट ने एक रेफरेंस पिटीशन को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को ये अहकाम इशू किए हैं कि वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे ये ले जाने वाले चार्जेस को कम से कम कम करने की कोशिश करें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। और इसी की बिना पर जो पावर ऑफ डिवीजन है, पावर मिनिस्ट्री है, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिन घरों के जो डोमेस्टिक बिल्स हैं उनके 200 से यूनिट से कम हो, या फिर कम से कम ये हो कि 6 महीने के यूनिट उनके 200 से कम हो, और जुलाई का बिल उनका अगर 200 यूनिट से ज़्यादा भी है, तो उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से रियायत मुकम्मल तौर पे दे दी जाएगी और सिर्फ करंट बिल जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने करंट बिल जमा करवा दिया है तो फिर आपकी ये कटौती सितंबर के बिल में हो जाएगी और ये वहाँ से होकर आएगी। अब मसला क्या बना है? मसला ये बना है कि इसकी पब्लिक हेयरिंग जो नेप्रा वालों ने इनिशिएट की है वो 31 अगस्त को है, जिसमें वो इस प्रॉब्लम और इस इशू को वाइडली डील करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक समरी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है केई ने कि इसकी जो फर्दर वैल्यू है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वो 14.53 कर दी जाए और इसको सितंबर के बिल में इंक्लूड कर दिया जाए।